Okay, so today we have this biotic and abiotic component of ecology, fish ecology especially you can say here. तो फिश इकोलॉजी में आप जानते हैं कि जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं ये दोनों फिश के डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी कितना सक्सेसफुल कोई स्पीसीज है उसके डिस्पर कितने वाइड कवरेज है उसका कितनी जगह रहती है ये सब उसको कंट्रोल करते हैं. ओके दे आर यू कैन से द पार्ट ऑफ हार्ट ऑफ इकोलॉजी द एबायोटिक एंड बायोटिक सिस्टम. हाँ ठीक है बायोटिक एंड एबायोटिक सिस्टम. और वो जनरली क्या है कि जो आपका डिस्पर्सन और माइग्रेशन है ये समहाउ चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन और उसके पॉपुलेशन की कितना कितना है कितना नहीं है सब कुछ समय के लिए चेंज कर सकते हैं बट इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस. ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है. द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन वन लोकेशन एक पॉपुलेशन एक जगह दूसरी तरह से और दूसरी तरह से बट एट ए अनदर टाइम एक दूसरे टाइम में जो स्ट्रक्चर है वो देर आर यू कैन सी देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स तो इट्स ए इफेक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स है यहाँ पे आपके बायोटिक फैक्टर्स. ठीक है तो क्या है एबायोटिक फैक्टर्स में आपका डेंसिटी है आपका प्रेशर है विस्कोसिटी है गैसेज है टेम्परेचर है लाइट है साउंड है इलेक्ट्रिक करंट है बॉटम डिपॉजिट्स है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर. और यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर यू कैन सी हेयर दिस ओवरऑल इफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल या ए पॉपुलेशन. ओके हाउ द इंटरेक्ट सर्वाइवल पर भी इफेक्ट करते हैं उनकी रिप्रोडक्शन इन्वायरमेंट के सही है बट क्या इन्वायरमेंट फैक्टर है उसकी फिकंडिटी पे भी इफेक्ट करते हैं उसकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट करते हैं. और जो जीनोटाइप है जीनोटाइप तो आप जानते हैं कि हेरिडिटी है लेकिन वो पास होता है लेकिन उसके उस पर बहुत सारी चीज़ें काम करती है दैट आर नोन एज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम. ओके तो दीज एबायोटिक सिस्टम में आपका डिपेंड ऑन द नॉलेज प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम दे आर लिव के आपका डेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर डिस्कस लास्ट टाइम किए थे इस बार फिर से तो डेंसिटी विस्कोसिटी एंड हीट कैपेसिटी. आप जानते हैं कि जो वाटर है वो लगभग 775 टाइम डेंसर है एयर की तरफ. ओके और दिस वाटर इज एक्चुअली प्रोवाइड द बायोट मीडियम तो दैट्स वाई द सी जो स्केलेटन सिस्टम ऑफ जिसने भी एनिमल है वाटर में उनका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता इन कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल या जो बाहर अर्थ पर रहते हैं. ओके अब आप जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसका फिश ब्लू व्हेल का तो ब्लू व्हेल को अगर पानी से बाहर निकल दिया जाए तो वो मर जाएगी क्योंकि उसका जो स्केलेटन सिस्टम है स्पेशली द वर्टिब्रल कॉलम है उसके वेट को नहीं सहन कर पाएगी और वो उसे मर जाती है. ओके तो दूसरी तरफ और तो और भी एनिमल है आप फिश का और का देख लीजिए वो भी ऐसे ही है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है ये जो भी एक्वेटिक एनिमल है. ओके उसी तरह ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है इसको जो टेम्परेचर और सलाइनिटी के साथ भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा. ओके अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बायोन्सी डिक्रीज होगी लेकिन सलाइनिटी बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी. ओके इंक्रीज हो जाएगी डेट और ये सब पूरी ओवरऑल क्या है कि आपके आपके इकोसिस्टम को या इकोसिस्टम को अफेक्ट कर देगा. ओके तो अब आपको डेंसिटी एंड टेम्परेचर आप जानते हैं कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम वो डेंसिटी है वो 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है तो अगर इससे कम इस 4 डिग्री टेम्परेचर से कम या ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वाटर का जो डेंसिटी वो कम हो जाएगी. ठीक है इसी तरह आप देखेंगे कि जो सी के अंदर कई बार जो आइसबर्ग है वो तैरते रहते हैं कुछ पोर्शन ऊपर रहते हैं किस लिए वो इसलिए कि वहाँ पे डेंसिटी कम है
इससे नीचे जाएगा, 4 डिग्री से नीचे जाएगा तो वहाँ भी कम हो जाएगा, आइसबर्ग बन जाएगा, और ऊपर जाएगा लिक्विड होगा तो भी कम हो जाएगा, तो क्या आएगा जो 4 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पानी लिक्विड मीडियम में रहेगा। ओके, द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो इट डिपेंड ऑन द पर डिग्री कितना राइज होता है। ओके, द रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर, वो रिलेटिविटी की बात करते हैं। द कॉन्सिक्वेंस, अब ये अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि आइस हो गया, तो आइस क्या होगा कि डेंस हो गया, डेंस में क्या है कि जो भी वाटर है मैंने उसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से अगर हाई हो गया तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा, उसमें भी अलग काम ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिश कैन एक्सपीरियंस ये इस हैबिटेट का फ्लेयर ऑफ वाटर है, डिफरेंट टेम्परेचर और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट डेंसिटी पर वो काम करेगी। ठीक है, तो वो ये इस चीज़ को फिश जो है, ये जो वाटर एनिमल है, वो उसको सेंस भी कर लेते हैं। ओके, डिफरेंट डेंसिटी को, और उससे क्या होगा कि ये सेंस कर लेंगे तो ये इनके माइग्रेशन और उस जो आपके माइग्रेशन के टाइम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, या क्या आपके जो क्लूज है, ये क्लूज की भी काम, क्लू की तरह भी काम कर सकते हैं, क्लू की तरह भी काम करते हैं। तो क्लू की तरह काम करेंगे तो क्या होगा, उसको हेल्प मिलेगी माइग्रेशन। ओके, अब दूसरी चीज है कि जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो क्या है कि वो विदिन द वो एक पर्टिकुलर रेंज के उसमें सर्वाइव करते हैं। चाहे अब ह्यूमन अलग है कि वो अलग चीजें जैसे वो चीजें एक्वायर कर लेता है जो, लेकिन फिश मान लीजिए सर्दी हुई, फिश के पास टेम्परेचर नहीं है, और वैसे भी एक्टोथर्मी है, बाहर का टेम्परेचर वो डिपेंड करता है, लेकिन ह्यूमन उसको हीटर या कुछ कपड़े या इस तरह की चीज़ें करके मेंटेन कर लेता है। ओके, तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर या तो कि आप कहो कि जितने भी फैक्टर्स हैं उसकी एक पर्टिकुलर रेंज में ही सर्वाइव करेंगे, पर्टिकुलर रेंज में सर्वाइव करेंगे तो उस रेंज से क्या होगा कि अगर हाई है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा रेंज हाई का हाइट है, मान लो टेम्परेचर हाई है, टोलरेंट लिमिट हाई है, तो उसकी जगह हम प्री फिक्स यूज करते हैं यूरी थर्मल या यूरी सलाइन, मतलब कि हाई साल्ट कंसेंट्रेशन हाई सेलिनिटी को टोलरेट कर लेता है। अगर यूरी थर्मल है मतलब हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर लेता है। इसी तरह से अगर आपका नैरो रेंज में है, छोटे मतलब बहुत कम फ्लक्चुएशन को अगर टेम्परेचर को टोलरेट कर, टेम्परेचर प्रेशर जो भी चीज़ें हैं उनको अलग अलग, उसमें हम स्टेनो वर्ड यूज करते हैं, तो स्टेनो हेलाइन सलाइन एलाइन या स्टेनो थर्मल टेम्परेचर के लिए, तो थोड़ी सी स्मॉल रेंज में। अब जनरली अगर जो एनिमल है अगर वो मॉडरेट रेंज को हमें सर्वाइव करते हैं तो वी यूज द टर्म इट्स ए मीजो थर्मल मीजो स्लाइन मीजो एलाइन। ओके, तो इस तरह से वो मीजो वर्ड हम आप वहाँ पर यूज करते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि ये सब आप दूसरा क्वेश्चन है कि भाई कौन सा ज़्यादा सर्वाइव करेगा, तो जो भी एनिमल यूरी होगा मतलब जिसकी वाइड रेंज होगी, चाहे वो टेम्परेचर की है सलिनिटी की है या प्रेशर की है, जिसकी वाइड रेंज होगी उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू स्टेनो और मीजो टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि कुछ करेक्टरिस्टिक है और कुछ एनिमल के नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पे, तो जैसे स्टेनो मीजो यूरी थर्मल टेम्परेचर के लिए दिया गया है बेस्ड ऑन कि फ्रेश वाटर फिशीज का है, जैसे ग्रोनवेल्डर ग्रोथ से हम बात करें, समर में स्टेनोथर्मल की लेस देन 20, मीजो थर्मल ऑटम में ऑटम विंटर लेस देन 12, और स्प्रिंग में आपका ग्रेटर देन 12। टाइम स्पेनिंग
किस पे कहाँ, अगर टाइम ऑफ स्पिनिंग में कितना टेम्परेचर चाहिए और स्प्रिंग के टाइम में कितना चाहिए, स्प्रिंग ऑटम में 15 से 32 चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिए, जैसे स्टेनोथर्मल क्या है, सेल्विनियस फाउंटेलिस सालमर टूटा, ठीक है, इसी तरह से आपका मीजोथर्मल है, कैटोस्टोमास, ओके, इसोक्स, परका, ये सब स्पीसीज क्या है, मीजोथर्मल है, इस तरह माइक्रोपेट्रस ये आपका यूरिथर्मल है, ये टिंका और एर्बिनियस ये यूरिथर्मल है, ओके। तो ये अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि असेंबलेट कैसे, अब जितनी भी फिश या एक्वेटिक एनिमल है, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर जोन है, टोलरेंट रेंज जो है, वो जैसे जिसके अकॉर्डिंग टू देयर टोलरेंट रेंज, वो क्या है, वो उसी के अकॉर्डिंग पानी में रहते हैं। एक तो क्या, क्योंकि जोनेशन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर्मिस का कितना है, लेस देन 12 है, और 12 टू 6 बार्बर जोन, बार्बर्स लूसीफर्स तो इस तरह से 8 टू 14 तक, क्लेइंग जोन थाइमुलस थैलमस, ओके, फ्रोट जोन 15 से 5 से 10 तक, ठीक है। तो ये एस्चुरी का एंजुला ये 1800 डिग्री से ऊपर सर्वाइव करती है। तो इस तरह से दे रहे जोनेशन, आप देख लोगे कि डिफरेंट टेम्परेचर के जोन में डिफरेंट तरह की फिश सर्वाइव करती है, ओके। इसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आप डेंसिटी और सेलिनिटी, आप जानते हैं कि वाटर जो पानी है, इससे लो फ्रेश वाटर की लो है, ठीक है, और अगर लो सेलिनिटी फ्लोट वाटर और द हाई सेलिनिटी, मतलब अगर हाई सेलिनिटी होगी, ज़्यादा डेंस होगा तो नीचे रहेगा, और जिसकी लो होगी वो ऊपर रहेगा। तो कभी आपने अगर गंगा प्रयागराज गए हो तो वहाँ पर देखा होगा, जो जहाँ पर मर्ज होती है गंगा यमुना, तो आप देखते हैं कि यमुना ब्लैक किस है, और जो जो गंगा है वो वाइटिस है। तो आप देखोगे जब वो मर्ज करती है तो दोनों का पानी अलग अलग दिखाई देता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो बात अलग है कि एक हो जाती है, ओके। इसी तरह जो सी मर्ज करते हैं, यहाँ पे दो सी आपने बहुत सारी वीडियो सरफेस होती रहती है, तो क्योंकि सी का जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है, इंडियन ओशियन की अलग है, पैसिफिक ओशियन की अलग है, तो डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से क्या है, उनका जो है, उनका जो कलर की बेस पे क्या तो या जो भी है उस बेस पे वो डिफरेंट दिखाई दे सकते हैं देते हैं, ओके। गंगा यमुना का है, और भी कहीं जैसे आगे मिलता है आपका दुआबा क्षेत्र में भी, आपका उधर भागीरथी और ये सब मिलती है ऊपर प्रयागराज आगे ऊपर पहाड़ों में, तो वो सब इसी तरह से वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो अब इसी ये सब चीज़ें, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं वो भी फिश के माइग्रेशन में हेल्प करती हैं, बेसिकली द प्रोडक्ट क्लू, ठीक है। टेम्परेचर, अब यहाँ पे वही है कि टेम्परेचर के साथ में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे सलाइनिटी बढ़ेगी तो सलाइनिटी के गैसेस में क्या है, बढ़ जाएगी, ओके। सलाइनिटी आल्सो डिक्रीज, क्योंकि लेकिन दूसरा सलाइनिटी भी तो डिक्रीज हो जाती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है, अल्टीमेटली आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे मैंने जब हम देखते हैं कि भाई अगर सलाइनिटी 24.7 पार्ट्स पर थाउजेंड्स हो, द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी द फ्रीजिंग पॉइंट एट आर द सेम एट 1.333 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो सलाइनिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या है, अब देखिए कि मैक्सिमम डेंसिटी कितने पर हो जाएगी, माइनस 3.52 डिग्री पे, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, वो माइनस 1.9 डिग्री पहुंच जाएगा, ओके। तो इस तरह आप देखते हो कि सलाइनिटी के साथ में ये सब चेंज हो गया। इन फ्रेश वाटर द लेयर ऑफ वाटर अगर 4 डिग्री इट कैन लाइल बिलो द लेयर ऑफ कोल्डर वाटर विच मे बी फ्रीजिंग पॉइंट टुवर्ड द सरफेस, नीचे किस क्या है, टेम्परेचर कम होगा
और 4 डिग्री क्लियर ऊपर है। आप देखते होंगे बहुत सारी लेक जो है वो जम जाती है लेकिन उसके नीचे पानी ऐसी रहता है। हाई लैटिट्यूड और यहाँ पे बेटा थोड़ा रुक जाओ ना, तो अब आपका मैं बताया कि जैसे जो हाई लेटीट्यूड और ये वार्मर टेम्परेचर है, जैसे वहाँ पर काम वहाँ पर रिलेटिव वार्मर डेंसर हॉट वाटर कैन फ्री, जैसे आप देख रहे हो इन सब में डल लेक में बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या है फ्रीज हो जाती है। ओके, तो अब इस केस में क्या है कि देर में भी चांस है क्योंकि आप जानते हैं कि नो फिश जो है क्या है वो है एक्टोथर्मल, मतलब बाहर के टेम्परेचर पर उनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है, तो देर आज चांस है कि उनकी बॉडी के अंदर आपका फिश के अंदर क्रिस्टल बन जाए। तो आप क्रिस्टल बनेंगे पहले स्टार्टिंग फ्रीज बाहर से शुरू होना होगा, धीरे धीरे उसका अंदर क्रिस्टल बनेंगे और क्रिस्टल बनेंगे तो फिश मर जाएगी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कुछ क्या है, बहुत सारी फिश तो माइग्रेट कर जाती है लेकिन कुछ सम ऑफ डैम आर डेवलप एंटी फ्रीज कंपाउंड जो उसके फ्रीज होने से रोकते हैं, वो फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं उस तरह के कंपाउंड ऑयल्स और फैटी एसिड, ये सब उसको फ्रीजिंग से बचने में काम करते हैं। कुछ कुछ जो फिशेज हैं वो एक ही तरह की जगह पर सर्वाइव करती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फिश स्पेंड देयर लाइफ इन वाटर दैट चेंज लिटिटी सरेनिटी, कुछ कमी चेंज हो ठीक है वो कन्फाइन होती है। सम लिव इन्वायरमेंट सच एज एस्टुरी वेयर जस्ट कुछ जो है ज़्यादा टॉलरेंट है तो वो एस्टुरीज में रहती है जहाँ बहुत ज़्यादा चेंज होता है। सम स्पीसीज मूव बिटवीन द वाटर ऑफ डिफरेंट ग्रेटली इन देयर सरेनिटी, जैसे आपका माइग्रेशन होता है कैटरपिलर्स, ठीक है। तो क्या है कि हाई साल्ट कंसेंट्रेशन से लो साल्ट और लो साल्ट से हाई साल्ट, लेकिन क्या है इस सब चीज़ों को बचने के लिए क्या करते हैं, एक जगह लार्वल स्टेज है एक जगह एडल्ट है या कुछ इस तरह का उनमें चेंज होता है तो जो उसको टॉलरेट कर लेते हैं। ओके, और दूसरा फैक्टर है इसे विस्कोसिटी। अब जितने जो भी विस्कस मटेरियल होते हैं, विस्कस मटेरियल क्या है कि विस्कोसिटी क्या है कि ना वो भी एक तरह से आप कहोगे डेंसिटी, और जो विस्कस होगा वहाँ पे जहाँ पे विस्कस होगा वो लेस फ्लूइड होगा, ओके मतलब बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, ओके विद इन द बाउंड। अब जो विस्कस फ्लूइड है वो एक लेयर बना लेता है अराउंड द बॉडी, ओके जो एक कुछ कुछ लिमिट तक, जैसे ही अगर मूवमेंट हो रहा है तो कुछ टाइम तक वो उसको रजिस्ट करती है उस मूवमेंट, लेकिन जैसे अगर बहुत ज़्यादा बहुत तेजी से होगा या आगे बढ़ेगा तो उसका लेयर भी हट जाता है और उसके जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ओके, तो दिस विस्कोसिटी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी, इट डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिक्विड, तो दिस डिटरमाइंड इजीली बाय द फ्लो ऑफ स्टिफनेस ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड हाउ लाइकली फ्लूइड ब्रेक आउट द रेस्ट ऑफ एनर्जी, जैसे ही बढ़ेगा तो उसका कितना हो जाएगा, ओके मतलब उसके बाद वो डिटैच हो जाएगा अलग हो जाएगा। द वाटर हैव हायर विस्कोसिटी देन एयर बट काइनेटिक विस्कोसिटी इज अबाउट 15 टाइम लोअर देन द एयर, क्योंकि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और जैसे हमने बताया था कि भैया तो हाँ, तो फिश जैसे ही फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी इट्स ये अगेंस्ट एक थ्रस्ट जनरेट करेगा जो उसको अपोज करेगा, जैसे ही फॉरवर्ड मूवमेंट थ्रस्ट प्रोड्यू होगा इट अपोज बाय द ड्रैग, इट हैज टू कंपोनेंट, तो उसमें प्रेशर ड्रैग जो विस्कोसिटी की वजह से और स्किन ड्रैग, ओके स्किन फ्रैक्स इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर सरफेस ऑफ द फिश, जैसे ही जितनी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा होगा। दूसरा प्रेशर ड्रैग इज इनडायरेक्टली ड्यू टू द विस्कोसिटी, आप जानते हैं कि विस्कस है तो क्या है तो प्रेशर अपोज कर जाएगा ना, इनर्शिया टेंड टू कीप फ्लूइड पार्टिकल मूविंग डायरेक्ट इन द डायरेक्शन दे हैव ऑलरेडी एडॉप्टेड, वेयर द फ्लेक्सनल फोर्स टेंड टू अलाइन
फ्लूइड पार्टिकल कंफर्टेबली इन द शेप ऑफ द फिश। तो अब क्या है कि वो आगे से वो मूव करना शुरू करेंगे और फिश की शेप में आगे से मूव करके, क्योंकि उनको एक मोमेंटम मिल जाता है। ओके, एट ए क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर ड्रैग वाला एक बार और समझा दीजिए। देखो जैसे कोई फिश है या कोई भी एनिमल है, आप देख लो चाहे एरोप्लेन का देख लीजिए, तो क्या है कि कुछ टाइम तक जो एयर है उसको रेजिस्ट करती है, लेकिन जैसे ही एयर जो अब वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है तो प्रेशर वो क्या है कि स्ट्रीम लाइन हो जाता है। तो एयर में पार्टिकल है, वहाँ वाटर में पार्टिकल है, तो स्ट्रीम लाइन होने की वजह से उनको एक मोमेंटम मिल जाता है, तो उससे क्या होगा जो प्रेशर ड्रैग है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको एक डायरेक्शन मिली, जैसे विंग अगर बर्ड की बात करें तो विंग्स में विंग्स देखो और जो एरोप्लेन के विंग्स है आर यू कैन कंपेयर बोथ देम, तो दे लुक लाइक द सेम। ठीक है, प्रेशर ड्रैग डायरेक्टली ड्यू टू द विस्कोसिटी इनर्शिया टेंड टू कीप फ्लूइड पार्टिकल मूविंग द डायरेक्शन। ओके, ऑलरेडी अडॉप्टेड। और इस तरह क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स टेंड टू एनाइल पार्टिकल कंफर्टेबल टू द शेप ऑफ द फिश। तो फिर क्या है कि एक डायरेक्शन पर्टिकुलर मिल जाएगी कि उसमें वो चलना है, आगे चला जाएगा। ठीक है, पहले क्या है वो पूरे पे काम कर रहे हैं और फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहे, तो दैट फॉर द प्रेशर ड्रैग। समझ आई बात? हेलो रजनी, समझ आई? यस सर, समझ में आई। ठीक है, तो जैसे बर्ड्स में होता है उसी तरह से। ओके, तो अब जैसे जैसे द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ द फिश इज नॉट ए काउंटर ऑब्जेक्ट, जैसे चल गया ना एक पर मोमेंटम मिल गया, इनर्शिया मिल गया, तो उस समय क्या है कि जो वाटर का प्रेशर और ये सब है ये सब काम करना मतलब लगभग नेगलेबल हो जाता है। ओके, तो दिस जनरेटर प्रेशर ड्रैग और क्या आगे पूरे जो फिश है वो आपका मूव कर जाएगी, उसके मूवमेंट में हेल्प मिल जाएगी। अब ये सब चीज़ें जो प्रेशर डिग्रेड स्टिंग फ्रिक्शन ये सब डिपेंड करता है कि रेनॉल्ड नंबर, और रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड एज आर ई इज इक्वल टू एल इन टू यू बाई वी, वेयर एल इज द इफेक्टिव लेंथ। ओके, यू इज द वेलोसिटी एंड वी इज द काइमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो ये सब चीजें क्या करते हैं, दे फ्रॉम द इट्स ए रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल विस्कस फोर्स। ओके, व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज लो द ऑब्जेक्टिव हाईली विस्कस, ऑब्जेक्ट इज इन हाईली विस्कस एनवायरनमेंट विच हैव द हाई रेनॉल्ड नंबर एंड द एनवायरनमेंट इज डोमिनेंट ऑन द इनिशियल फोर्स शुरू में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर इन नॉट जस्ट ए not just depend on the viscosity but also size and velocity of the object, उसके जो object size और shape पे भी depend करेगा। अब यहाँ पर देखिए Reynolds number जो egg और larva है उनके लिए कम है, pressure drag 10%, लेकिन जैसे जैसे size बढ़ेगा ये pressure drag भी बढ़ जाएगा और Reynolds number भी बढ़ो जाएगा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर surface ये भी increase हो रहा है। ओके, एट द हेलो, तो आपका क्या है, इट डिपेंड ऑन द एरिया कितना फ्रिक्शन है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो फिश हैं उनकी एक स्ट्रीम लाइन बॉडी। ओके, तो स्ट्रीम लाइन बॉडी इज द लॉन्ग स्ट्रीम लाइन बॉडी, टेपरिंग टेल, टेंडेंसी फॉर द फ्लूइड फॉर द सेपरेट ऑब्जेक्ट, ये सब जो क्या है ये सब उसको रिड्यूस कर देते हैं, और प्रेशर जो एक
मतलब कंटिन्यूस फ्लो है इनिशियल फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम इनर्शिया मिल जाता है तो उससे क्या ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है। ठीक है, जैसे प्रेशर एट द बैक इज मच क्लोजर टू दैट ऑफ द फ्रंट ओके देन फॉर द नॉन स्ट्रीम लाइन ऑब्जेक्ट। अगर स्ट्रीम लाइन ऑब्जेक्ट नहीं है ओके तो क्या है कि वो उसी की तरह है, जितना लगभग आगे है उतना ही पीछे है। अब देखिए जैसे जो टीलियोस्ट है, इसको एक एग्जाम्पल टीलियोस्ट का हमने अभी देखा ही है कि दे हैज द लार्ज दे आर स्मॉल वन ओके वेयर द रेनॉल्ड नंबर इज डोमिनेटेड बाय द विस्कस फोर्सेस। अब धीरे धीरे वो ग्रो होते हैं और उसका क्या है कि वो चेंज हो जाते हैं द वैल्यू ऑफ विच देखो स्विंग फास्टर देखो हाउ आर द लार्वा ग्रो एज मच muscles mature and become capable of swimming faster okay into the wide range of renal number okay to wo jaisi change hota hai muscles bhi active hogi aur usse phir kya hai wo aur unki body bhi streamline hogi they move faster aur jabki jo starting one hai wo dominate hai theek hai chote chote hai theek hai to is tarah se kya hai ki renal number uske movement mein hai okay ab इस जो विस्कोसिटी है ये भी आपका सलाइनिटी से या टेम्परेचर से आपको ये इफेक्ट होता है। एट 5 डिग्री फ्रेश वाटर है इज 2.5 टाइम काइनोमेटिकली विस्कस एज इट इज एट 35 डिग्री ओके उसी उतना ही विस्कस है 5 डिग्री पर। अब जैसे मैंने बताया था टेम्परेचर पार्ट में भी इम्पोर्टेंट इन द स्मॉल लार्वा जुवेनाइल टेलियोस ठीक है टीलियोस टाइम में विच आर एक्सपीरियंस रिलेटिवली हाई फ्रैक्शन ओके। अब दूसरा जो है आपने टीलियोस का देखा इस तरह जो फिश है फिश और रेज है वो सबस्टेटम डवेलर्स हैं ओके दे आर जो इनका टिशू का जो टिशू और ये सब है वो नीचे के तरफ क्या कैसे मूव कर जाती है। अब जैसे आपको पता ही है कि जो ये टीलियोस टाई है और आपका फिश है दे आर द डिफरेंट आपकी जो डेंसिटी इनकी खुद की डेंसिटी डिफरेंट है। दूसरा जो इस तरह की स्केट और रेज हैं वहाँ पे स्विम ब्लेडर नहीं है और उनके जो टिश्यू की डेंसिटी है वो लगभग सेम रहती है ओके तो उससे क्या वो नीचे की तरफ भी मूव कर जाते हैं। ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट ऑफ देयर फिन दे वर्क लाइक एन मॉर्फोलॉजिकल डिवाइस दे इंक्रीज द फ्रिक्शन ओके and can also help in fish stay from on the bottom jo us tarah unki jo shape hai dekho flat hai aur flat kya hai ki unki jo hemisphere jo tail hai heterocycle tail hai to kya ki wo uske jaise steering ki tarah kaam karti hai aur jo body hai unki wo niche rehne mein help karti hai kyunki wo jo unka jo tissue ka osmolarity hai wo lagbhag same rehta hai okay। दूसरा जो फैक्टर है वाटर का वो है हीट कैपेसिटी। अब जो वाटर की हीट कैपेसिटी मतलब हीट होल्डिंग कैपेसिटी एयर की कंपैरिजन में इट्स ये लगभग 800 टाइम्स ज्यादा होती है ओके। इट वाटर है 4 टाइम ग्रेट है कैपेसिटी देन एयर बिकॉज ऑफ इट्स नियरली 800 टाइम मोर डेंस इट इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज 300,000 टाइम ग्रेटर देन एयर उससे 3,000 टाइम ग्रेटर है। अब आप देखोगे फिश मूव करती रहती है इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर निकालती रहती है चलती रहती है तो क्या कि मेटाबॉलिक वेस्ट भी है उसके तो इन सबको वो मेंटेन कर लेती है टेम्परेचर ये सब बढ़ नहीं पाता चाहे छोटा ही पॉन्ड क्या हो कि और कितनी फिश हो तो दे आर लार्ज हीट कैपेसिटी देर देयर बॉडी टेम्परेचर उसके सराउंडिंग उसके उसको भी ये मेंटेन रखती है दे इंक्लूड द टूना टीलियोस मार्केट्स ओके ये उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग सेम रहता है ओके सॉरी कि मार्केट्स आर्क विच मेंटेन एन एलिवेटेड टेम्परेचर थ्रू आउट मच ऑफ देयर मार्केट्स आर्क है ये अपने बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा याद रखती है ओके एलिवेटेड टेम्परेचर सोल्ट फील और मैरलिन दो टीलियोस्टाई दे मेंटेन द एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ द ब्रेन एंड एडजेसेंट टिश्यू। अब ब्रेन का एक अगर ब्रेन फ्रीज हो जाएगा तो फिश पैरालाइज हो जाएगी तो इस तरह क्या कि ब्रेन को फ्रीज नहीं होते बाकी ऑर्गन अगर फ्रीज हो भी गए तो उसको रिकवर कर लेंगे ओके। तो एंडोथर्मिक कुछ एंडोथर्मिक फिश भी हैं तो देखते हैं कि वो अपने
टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ओके, कुछ जो फिशेज हैं तो वो क्या कि एंडोथर्मी मेंटेन करने के लिए स्विम कंटिन्यूसली ये वो चलती रहती है। ओके, और वो सब मैंने बताया था कि ऑक्सीजन में भी, ऑक्सीजन टेपरिंग में भी हेल्प करती है। ओके, यहाँ देखिए आपका कि बॉडी साइज कैसे स्ट्रीम है, फिश बॉडी साइज, फास्टिंग रेस्ट, टूना, रैपिड एक्शन इन टर्निंग, ठीक है, ये सब ट्रिगर फिश, तो ये सब क्या है, ये सब उसको मेंटेन रखती है। ओके, तो अभी थोड़ा स्टॉप करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, अभी दूसरी बार करें, ठीक है, अभी दूसरी मीटिंग है, मतलब सेम अभी जोड़ लेंगे, ठीक है।